हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। घाटकोपर की रहने वाली एक 17 साल की लड़की ने 34 साल के नवाब निजाम खान पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। लड़की नवाब निजाम के पास में जॉब करती थी। नवाब जो है ये भांडुप में NGNA मार्केटिंग BMC बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर थी इनकी, और ये लड़की इन्हीं के पास जॉब करती थी। लड़की को पानी की बोतल देने के बहाने से नवाब ने इस लड़की को अपने केबिन में बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो नवाब ने कहा कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसके साथ वो कोर्ट मैरिज कर लेगा, लेकिन लड़की ने किसी तरह से इसे झटक कर केबिन से बाहर निकल आई और इसकी जानकारी नवाब की बीवी अल्फिया नवाब खान को भी दी, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा भी हुआ था और आखिरकार इस लड़की ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। भांडुप पुलिस ने 354 और IPC की धाराओं के साथ पॉक्सो 8-12 के तहत मामला दर्ज किया है और माहिम के रहने वाले नवाब खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में नवाब की पत्नी अल्फिया नवाब वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाई है। इस 17 साल की लड़की ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला था और इंसाफ की मांग की थी। वो वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे कि उस लड़की ने क्या कहा था। बहरहाल लड़की को अब इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। 16 साल की है, मैं घाट के ऊपर रहती हूँ। मुझे मेरी एक दोस्त ने जॉब के बारे में बताई थी जो भांडुप में है। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई, भांडुप एस में जॉब है, NGNA मार्केटिंग नाम है उसका, भांडुप एस BMC बिल्डिंग प्लॉट नंबर 402। वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरी कम एज की वजह से मुझे वहाँ पे जो भी है वहाँ पे सब कम एज के लोग रहते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे, मेरी एज भी कम एज थी, मेरी एज 16 साल की है। तो वहाँ पे मुझे जॉब पे रखा गया और मेरा फेक आधार कार्ड बनाया गया वहाँ पे बड़ी उम्र का, क्योंकि ऐसा मेरे को ऐसा बोला गया था कि जब जॉब की वहाँ पे कभी भी चेकिंग होती है तो इसके लिए 18 साल के नीचे वाले को लोग पकड़ते हैं, वहाँ पे सब फ्रॉड काम होता है, DSA का काम करते हैं सब थर्ड पार्टी। उसके बाद जब मैं जॉब पे लगी, मेरी सैलरी मुझे 7,000 बताई गई थी, तो 7,000 सुन के मैं जॉब नहीं कर रही थी वहाँ पे। तो बाद में मेरे सर ने मेरी सैलरी 10,000 बढ़ा के दिया मुझे, जब 10,000 मेरी सैलरी मुझे 10,000 बढ़ा के दिया वहाँ पे, मेरे को 3 महीना हुआ है वहाँ पे जॉब करके, 3 महीने में मेरी सैलरी मुझे 10,000 ही बोला गया था मेरे हाथ में। पर वहाँ पे जब मैंने ऑफर लेटर मांगा तो मुझे ना ऑफर लेटर दिया गया ना सैलरी स्लिप मिलती थी वहाँ पे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे नहीं मिलता है, ये सब यहाँ पे सब ऐसे ही काम करते हैं। वहाँ पे ना ऑफर लेटर दिया गया, ना ID कार्ड दिया गया, ना सैलरी स्लिप मिलती थी। उसके बाद सर धीरे धीरे सबसे मतलब मुझसे मस्ती मजाक करने लगे, मस्ती मजाक करने के बाद उनकी गलत मतलब वो गलत गलत जगह टच करने लगे थे। जब ये सब बात बहुत परेशान होगी, ये सब बात मैंने उसकी वाइफ को बताई तो उनकी वाइफ ने मुझसे माफी मांगा, मुझसे बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने कि मतलब मेरे हस्बैंड की गलती है, मेरे को माफ कर दो ऐसा वैसा। उसके बाद वो दोनों में क्या बातें हुई तो वो आके मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगा रही, मेरी एरिया में आके उसने मेरे पूरा फोटो वायरल किया, मेरे बारे में गलत गलत बातें फैलाई उसने, और मेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें फैलाई, मेरे को बहुत गलत धमकी दिए। आज जब मेरी ना मेरी सैलरी उसने मुझे रिटर्न करी, मेरा मोबाइल तक छीन ली सैटरडे के दिन, ये सब बात मैंने उसकी वाइफ को बताई थी। उसकी वाइफ ने मुझे मारते मार उसकी वाइफ ने मुझ पे हाथ उठाई, मेरी मोबाइल छीन लिया उसने, ना मुझे मेरी सैलरी दे रही है ये महीने की, मेरी सैलरी 10,000 है और मुझ पे 50,000 चोरी करने का इल्जाम लगा रही है।